कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मैं भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। आऊंगी, मैं तो आऊंगी आगे। मैं अपना, मेरा जितना चैनल है, कोई रोक सके तो रोके रोके दिखाए। आऊंगी मैं, हर रोज आऊंगी, दो दो तीन तीन बार आऊंगी। रोक लो चाहे जो रोकना चाहते हैं, मैं नहीं रुकने वाली। आऊंगी मैं, तो मैं आ गई। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? ध्यान रखा करो अपना, और सेहतमंद रहो जैसे मैं हूँ। सैर करने जाया करो, वॉक किया करो, हेल्दी खाने खाया करो, ठीक है? चलो, मैं क्या बताने आई थी, मैं खुद ही भूल गई। हाँ, हमारे घर में, टाइटल पढ़ लिया आपने? हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ कि मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, टाइटल है, क्लिक बेट है। कुछ हुए तो ही क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे? कुछ नहीं हुआ, अब मेरी तबीयत खराब हो गई थी बस जरा सी, तो वो भी तो कुछ होना ही होता है। हाँ, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। हुआ क्या था, मैं शुरू से बताती हूँ। हुआ क्या था कि मैंने कोठियाँ दिखा दी, प्लॉट की बातें करा दी, कितने वीडियो बनाऊंगी आप ही सोचो। बोर हो गए होगे आप लोग, है ना? लेना तो मुझे है नहीं, आपको पता ही है। पर मुझे इस बात का गुस्सा बहुत है कि आप लोग ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, ये पहले ही बोलने लग जाते हैं कि इसमें लेना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं। मुझे सस्पेंस क्रिएट ही नहीं करने देते, बड़ा गुस्सा चढ़ता है मुझे कई बार इन लोगों पर। मैं लूँ या ना लूँ, मेरी वीडियो की बात करो, आगे की बातें क्यों करते हो? हैं, बताओ, आगे की प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं बैठ के। हाँ, आप मेरी बात सुनो। तो देखो, मैंने अपने फादर इन लॉ का काम प्रमोट करना था, कुछ वीडियो बनाने थे, कोई कंटेंट चाहिए था, वो मैंने कर दिया, ठीक है? नहीं, अब बात ये है कि ठीक कहते हो आप, मुझे कुछ नहीं लेना, घर भी नहीं बेचना। अब बोर्ड तो लगा दिया वैसे मैंने। जब बिकेगा, जब हमें प्राइस अच्छा मिलेगा तभी बेचेंगे। ऐसे के ऐसे भंग दे भाने थोड़े ना बेचा जाता है। ऐसे नहीं बेचा जाता, अच्छे पैसे मिलेंगे तभी बेचेंगे, और तब जब बेचेंगे तभी प्लॉट लेंगे। तो मामला ये है कि ना तो प्लॉट लेना है, ना कोठी लेनी है, ना घर लेना है। तो अब वो कंटेंट हो गया समाप्त, अब न्यू कंटेंट चाहिए, न्यू टॉपिक चाहिए, ठीक है? नहीं, वो खत्म हो गया। अब फिर मैं गई घर की सफाई करने, वही खरड़ कुराली वाले घर की, जीरकपुर, पंचकुला, मोहल्ली, पता नहीं कहाँ, रास्ते में ही है घर, वो कहीं भी नहीं है, रास्ते में ही पड़ता है सड़क पे। तो वहाँ गई थी सफाई करने। तो क्या हुआ, जब सफाई कर ली, थक गई ज़्यादा, अरे हाँ, तो वहाँ ना मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे चक्कर आने लगे, मुझे उल्टी भी आई। और क्या, और हाँ, एक बात ये भी है कि मैंने इतनी इतनी लॉन्ग ड्राइव, बड़े 2-3 घंटे ड्राइव किया, वो तो पहली बार किया ना। तो आपको पता है, एयरलाइन पे तो मैं शॉप से घर, घर से शॉप, शॉप से घर, घर से शॉप्स, इतनी ड्राइविंग करती हूँ ना, ज़्यादा तो ड्राइविंग करती नहीं हूँ मैं। तो इस बार इतनी रेगुलर ड्राइविंग की मैंने, तो फिर उधर जाके काम भी करवाया है ना, और फिर मुझे चक्कर आ गए। जब मैं मॉल में जाने लगी ना शॉपिंग वगैरह के लिए, मुझे चक्कर आ गया, तो और उल्टी भी की। हाँ, मैं बताऊँ, मुझे उल्टी भी आई। हाँ, तो वैसे ना, मैं वो जो उल्टी वाला सीन है ना, वो तो मैं ना सोच रही थी वो रेड टॉवल एपिसोड है ना, उसके साथ कनेक्ट कर, तो न्यू न्यू एपिसोड भी ला सकती थी मैं। पर फिर मैंने सोचा, भरतू ने अभी ये स्टोरी लाइन दी नहीं है मुझे, अभी नहीं लाना चाहिए, उससे पूछ लूँ, फिर ही लाऊंगी। ऐसे ऐसे नहीं अच्छा लगता ना, अभी तो अभी जब वो कहेगा तब स्टोरी लाइन वो शुरू करूँगी। पर मैं कर सकती थी मैं, पर मैंने किया नहीं। अच्छा हाँ, एक बात और, तो फिर मैं, मुझे ड्राइवर चाहिए था, मैं घर कैसे वापस आऊँ, घर कैसे वापस आऊँ? तो फिर ड्राइवर अरेंज हुआ नहीं, फिर मैं धीरे धीरे करके इतनी बीमार हो गई, मैं इतनी बीमारी भी गाड़ी चला के लेके आई मुझे से।
ठंडी ठंडी हवा में और गाड़ी चला के मजे से, बीमारी में ना मजे से गाड़ी चला के घर पहुंच गई। भाई इंडिपेंडेंट औरतें तो ऐसे ही होती हैं ना, और ये इसके टेस्ट भी तो जैसे थोड़ी ना होती हैं, है? और क्या, हाँ, और हाँ, तो ऐसे ये हुआ सिर्फ। तो टाइटल तो देखो बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता आप ही बताओ। फिर ऐसे मत किया करो आप, हाँ ऐसे मत किया करो, गलत बातें मत किया करो। हाँ तो फिर क्या हुआ कि ये तो मैंने आपको टाइटल का बता दिया, अब देखो मेरे जाने का टाइम आ गया। एयरलैंड और कहाँ, ना प्लॉट लेना है, ना प्लॉट लिया, ना कोट कोठी ली, ना घर भी का कुछ भी नहीं हुआ। स्टोरी तो बनानी पड़ती है ना। तो अब मेरा हो गया जाने का टाइम, तो हो सकता है कि मैं इसी वीकेंड भर तो मुझे लेने आ जाए गाड़ी में। इसीलिए तो गाड़ी छोड़ के क्या, क्योंकि जसप्रीत को भी तो जाना है ना मेरे साथ फिटिंग। ओहो सॉरी 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 सॉरी, अरे जसप्रीत तो बताएगी ना ये तो अपने, हाँ उसको ये स्टोरी दी हुई है ना, पहले बताएगी कि वो घर देख रही है, फिर बताएगी मैं अकेली रहूंगी, फिर बताओगी बताएगी कि दीदी ने अकेला नहीं छोड़ा मुझे, ये सारे काम। पर वो क्या करे, बड़ी चिल्ली है, बड़ी जिल्ली औरत है, हमेशा उसकी स्टोरी लाइन लेट ही चलती है, और फिर ऐसा कुछ उसमें गलत बोल देती है ना, सबकी पोल खोल देती है। साथ के साथ वीडियो डाले ना रोज जो उसको स्टोरी लाइन दी होती है। अब देखो मेरी स्टोरी तो यहाँ, मैं तो अब सारे टॉपिक बंद करके अब तो एयरलैंड जाने का टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। तो वो अभी बीच में ही है, बड़ी स्लो है, अभी बड़ी स्लो है, फिर बाद में करती है गड़बड़ है, जिससे फिर हम सबको चढ़ता है गुस्सा, फिर ठीक करना पड़ता है एक दो लगा के उसको। मुझे क्या करूं, उसको बताना था मेरे मुंह से निकल गया है, तो हमारा यही प्लान है। अब देखो जांकू की भी पोल खोल दी थी उसने, क्योंकि स्टोरी लाइन बड़ी पीछे, मैं भी कब का वीडियो डाल चुकी, जांकू भी, ओ सॉरी जांकू नहीं नीलज भी वीडियो डाल चुका रोने वाला, उसके बाद मैंने भी अपना डाल दिया, पर इसका नहीं आया। और जब इसका आया तो ऊट पटांग बोल देती है, इसको दो लाइनें सिखा दो ना वो भी ढंग से इसको बोलने नहीं आती, बस पता नहीं क्या बोलती है, क्या करती है ये, क्या नहीं करती। मैं तो बड़ी जिल्ली जिल्ली कुड़ी है, बड़ी जिल्ली है, सिखाए सीखती नहीं है, बताए बताए भी नहीं, इसको पता चलता, लिख के देते हैं हम लोग इसको स्क्रिप्ट लिख के, फिर भी इसका ये हाल है। बताओ क्या करेगी आगे चल के ये सच्ची। अच्छा हाँ मैं आपको बता रही थी, अच्छा हाँ फिर मेरी वहाँ तबीयत खराब हो गई, तो जो वहाँ रेस्टोरेंट का एक भैया है मुझे जानता था। अच्छा, रुको रुको मैं बताती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोगों ने मुझे भैया भैया करके चढ़ा के चढ़ाया है कि मैं हमेशा भैया 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 बोलती रहती हूँ, भैया भैया जी भैया भैया जी भैया भैया करती रहती हूँ, चढ़ाते हो ना। अच्छा मुझे ये बताओ आप किसी मॉल के रेस्टोरेंट में आपको कोई भैया जानता है, कोई पहचानता है आपको? मुझे मुझे जानता है, मुझे पहचानता है, हाँ देख लो कितने दिनों के बाद आई हूँ चंडीगढ़ के मॉल से, चंडीगढ़ का मॉल तो नहीं है, वही रास्ते में ही मॉल है, क्या कहते हैं खरड़ कुराली के पास, वहाँ तो वहाँ मैं रोज रेड वेलवेट केक खाने जाती हूँ, तो वही भैया मुझे जानता है। उसने मुझे पहचान लिया, फिर वो मुझे कोई ड्रिंक नींबू पानी नींबू नींबू पता नहीं करे मिला उसको, पता नहीं क्या, फिर उसने मुझे पिलाया, फिर मैं ठीक हुई। ये मैं बताने का पर्पस मेरा ये था, तात्पर्य मेरा ये था कि देखो जब हम किसी को जी भैया करते हैं तो वो आपको याद करता है। हाँ अब आप मुझे 100% श्योर है आपको कोई भैया नहीं जानता होगा, एक भी भैया अगर जानता हो तो मुझे बोल दो। मुझे देखो ये जो खरड़ कुराली वाली मॉल है वहाँ पर भी जानता है, चंडीगढ़ में जो मॉल है वहाँ का भैया भी जानता है, वहाँ के रेस्टोरेंट में काम करने वाला भैया, और फिर वहाँ जो एयरलैंड में मॉल है वहाँ का भैया भी जानता है, क्योंकि मैं रेगुलर विजिट करती हूँ और भैया भैया इज्जत से बात करती हूँ, हाँ प्यार से बात करती हूँ, तो मुझे याद रखते हैं लोग,
अब देखो मुंबई में जब हम लोग टैक्सी में थे, आपने कितना मुझे चिढ़ाया था कि जी भैया जी भैया जी भैया, बड़ा टैक्सी ड्राइवर के साथ किया। अब देखो कभी भी मैं मुंबई में जाऊंगी, वो भैया मुझे मिलेगा तो मुझे पहचानेगा। जी हाँ, ऐसे होता है। हमें आप ना मुझे समझते नहीं हो, ये व्यवहार होता है बंदे का जो लोग आपको याद करते हैं। आपके जैसे नहीं है, ऐसे डोब में चलते हैं, ये कौन है वो कौन है। भैया भैया आपको सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। आप जी भैया करोगे तो क्यों नहीं लोग आपको याद रखेंगे। हाँ ऐसा है, अपनी आंखें से चुराना कि मैं भैया भैया बात करती हूँ, भैया भैया बात करती हूँ, अब नहीं बोलना ऐसे। हाँ चलो जी, ऐसे हो गया। अब भट्टू आएगा मुझे लेने के लिए और फिर हम लोग जाएंगे, तो सारे जो टॉपिक है घर घर के टॉपिक अब मैं करने वाली हूँ ख़त्म। वैसे मेरी तबीयत का जो कनेक्शन है मैंने तो उस तरफ भी छोड़ दिया, डेस्परीटो की तरह, के घर में इतनी टेंशन है, खाने का दिल करता नहीं है, चाय 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 पीते रहते हैं और फिर तबीयत खराब हो जाती है। टेंशन, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है घर में तो खाने का दिल कहाँ किसका करता है, किसी का भी तो नहीं करता। हाँ और क्या, चलो अभी मैं जाती हूँ, ठीक है फिर आऊँगी। मेरा ही चैनल है, मैं आऊँगी, कौन रोकेगा मुझे, मैं आऊँगी, चाय पी के आती हूँ। टेंशन टेंशन कहाँ, हम तो टेंशन देने वाले लोगों में से हैं, टेंशन लेने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप चिंता मत करो मेरी, मैं बस चाय पीने का शौक है, बहाना भी तो चाहिए ना, जैसे वो ड्रिंक करने वाले लोगों को बहाना चाहिए कि दुख में भी पीते हैं सुख में भी पीते हैं, बस पीते ही पीते हैं। ऐसे ही मेरा है, चाहे खुशी हो तब भी चाय, जब गम हो तब भी चाय, अगर कुछ भी कोई मेहमान आ जाए तब भी चाय, जब कहीं जाए तब भी चाय, चाय जाए नहीं चाय, जब कहीं से आए तब भी चाय, बस ये चाय पीते रहो खुश रहो। मैं जाती हूँ चाय पीने के लिए, ठीक है बाय।